हेलो बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ने क्या बताया है, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। लिखा है यहाँ पे, पहले डिफिनेशन समझ लीजिए, फिर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है, एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबसेल इज मैक्सिमम एंड डेट द अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैव पैरेलल स्पिन। एक बार फिर से डिफिनेशन समझिएगा बच्चों, फिर इसे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर सुनिएगा, एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ द गिवन सबसेल इज मैक्सिमम एंड डेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव पैरेलल स्पिन। फिर आगे यहाँ लिखा गया है, इफ देयर आर थ्री इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल ऑल द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेयर्ड एंड हैव पैरेलल स्पिन। फिर यहाँ पर लिखा है, इफ देयर आर फाइव इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल ऑल द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन अनपेयर्ड एंड हैव पैरेलल स्पिन। थर्ड पॉइंट लिखा गया, दस पेयरिंग बिगेन विथ इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। पहले एक बार फिर से रिवाइज करा दें बेटा। लिखा, इफ देयर आर थ्री इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल ऑल द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन्स अनपेयर्ड एंड हैव पैरेलल स्पिन। अगला पॉइंट लिखा गया, इफ देयर आर फाइव इलेक्ट्रॉन इन ए डी सबसेल ऑल द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन्स अनपेयर्ड एंड हैव पैरेलल स्पिन। थर्ड पॉइंट लिखा, दस पेयरिंग बिगेन्स विथ इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल। अब एक एक पॉइंट समझिएगा। हुंस रूल ये कहता है कि सबसे पहले अगर मां कोई भी सबसेल दिया गया तो सबसे पहले क्या होता है कि उस ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड होंगे। जैसे हम बात करें P1 की बात करें, ध्यान से सुनिए, जैसे P की बात करें तो P में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY एंड PZ होते हैं। तो P में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY एंड PZ। तो हुंस रूल कहता है कि पहले हमारे जो ऑर्बिटल होंगे पहले क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। जितने ऑर्बिटल होंगे उतने अनपेयर्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। जैसे हम बात करें P1 की बात करें तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, अगर P2 की बात करें सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, P3 की बात करें थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। मतलब P1 से ले के P3 तक सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। मीन्स P1 मतलब यहाँ पे आएगा, P2 मतलब ये आएगा, P3 के मतलब ये आएगा। जैसे आपसे कहा जाए P3, तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को इस तरह नहीं भरेंगे, मतलब क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ऐसा नहीं। उन्होंने हुंस ने बताया कि पहले सारे ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाफ फिल्ड करेंगे। जब सारे ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएंगे उसके बाद हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए P4 कहा जाए, तो P4 आप कैसे भरेंगे, 1, 2, 3, 4 पहले क्या हुआ, हाफ फिल्ड, उसके बाद पेयरिंग हो गया। कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को 1, 2, 3, 4 इस तरह कभी भी भरा नहीं जाएगा, क्लियर है। जैसे आपसे कहा जाए P5 कहा जाए, तो P5 मतलब होगा 1, 2, 3, 4, 5। तो पी की बात करें तो पी में फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा पेयरिंग करेगा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, क्लियर है। जैसे आपसे कहा जाए P4 का आप इलेक्ट, क्या ये आपका करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 क्या करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। देखिए 1, 2, 3, 4 ये आपका करेक्ट है, लेकिन ये क्या ये आपका ये भी करेक्ट है, 1, 2, 3, 4 इनकरेक्ट है। तो हुंस रूल ये कहता है कि पहले पी ऑर्बिटल पूरी तरह से हमारे हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगा। इसी तरह यहाँ पे डी की बात करें, डी में टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच, 1, 2, 3,
फोर फाइव। अब पांचों ऑर्बिटल बना दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, वन टू फोर फाइव। जब आपसे डी वन कहा जाएगा तो यहाँ पे आएगा, डी टू कहा जाएगा तो यहाँ पे आएगा, डी थ्री यहाँ पे आएगा, डी फोर यहाँ पे आएगा और डी फाइव यहाँ पे आएगा। तो मैक्सिमम पहले क्या होंगे, सारे ऑर्बिटल अनपेयर्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग होगा। डी सिक्स कहा जाए तो यहाँ पे आएगा, डी सेवन यहाँ पे, डी एट यहाँ पे, डी नाइन यहाँ पे एंड डी टेन यहाँ पे। क्या आपसे कहा जाए डी सिक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या करेक्ट है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपका इनकरेक्ट है। डी सिक्स का करेक्ट कैसा होगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपका करेक्ट होगा। जैसे आपसे कहा जाए डी सेवन का आपको भरना है, डी सेवन कैसे भरेंगे? वन टू थ्री फोर फाइव, ध्यान सुनिएगा, इसमें करेक्ट कौन सा है आपको बताना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। आपसे डी सेवन कहा जाए, ये वाला आपका इनकरेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट होगा। हॉर्न्स रूल का था पहले हाफ फील्ड होगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ये वाला आपका करेक्ट होगा, ये वाला आपका इनकरेक्ट। तो यहाँ पे लिखा गया है दस पेयरिंग बिगेंस विद इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन पी सेल, पी सबसेल। तो पी सेल में हमारा पेयरिंग कब होगा? जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा, मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इसी तरह डी की बात के, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पांच। तो पेयरिंग कब होगा? जब सिक्स इलेक्ट्रॉन एंट्री करे। इसी तरह एफ की बात करें तो एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? सात, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो पेयरिंग कब होगा? जब कौन सा इलेक्ट्रॉन एंट्री करे? आठ। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, ये पहले हाफ फील्ड होगा, फिर एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। क्लियर हो गया बच्चों? तो हॉर्न्स रूल ये कहता है कि पहले हमारे जो भी सबसेल होंगे, पहले हमारे क्या होंगे? हाफ फील्ड होंगे और ये दूसरे के पैरेलल स्पिन में होंगे। अब जैसे पूरी तरह से हमारा सबसेल हाफ फील्ड हो जाएगा, उसके बाद पेयरिंग हमारा स्टार्ट होगा। तो हॉर्न्स रूल में बेटा कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में पाउली रूल्स के बारे में। ओके, आज इतना ही, थैंक यू।